गुरुवार नानक देव जी ने मक्का मदीना में समझाया धर्म का महत्व और मतलब। आपको बता दें कि आज देश भर में गुरुवार नानक देव जयंती मनाई जा रही है। वहीं सिख धर्म के संस्थापक संत नानक देव का जन्म दिन हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। वहीं इस बार यह पर्व 12 यानी आज मनाया जा रहा है। इसके जन्म दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि इन्होंने समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रकाश दिखाने का कार्य किया। गुरुवार नानक देव ने अपने जीवन काल में अरब देशों की यात्राएं की थी, जहां पर उन्होंने कई संदेश दिए थे। गुरुवार नानक देव जी ने अपने जीवन काल में कई जगह की यात्राएं की। एक बार नानक देव जी मक्का नगर में पहुंच गए। उनके साथ कुछ मुस्लिम भी थे। काबा, जिसे दुनिया भर के मुसलमान खुदा का घर मानते हैं, हर मुसलमान यही दुआ करता है कि उसकी जिंदगी में काबा के दर्शन हो जाए। जब वह मक्का पहुंचे तो सूरज अस्त हो रहा था। सभी यात्री काफी थक चुके थे। मक्का में मुस्लिमों का प्रसिद्ध पूजा स्थान काबा है। वहीं गुरुवार जी रात के वक्त थकान होने पर काबा की ओर पैर रखकर सो गए। एक व्यक्ति ने आकर नानक देव को जगाया और कहा कि इधर पैर करके न सोए, इस तरफ पवित्र काबा है। नानक देव उस व्यक्ति की बात सुनकर कुछ पल चुप रहे, फिर सहज भाव से जवाब दिया, ऐसी दिशा या जगह बता दो जहां खुदा न हो। नानक देव ने उस व्यक्ति को समझाया कि ईश्वर तो हर दिशा में और हर समय हमें देख रहा है, इसलिए जो भी करो ईमानदारी से करो, क्योंकि ईश्वर तो हमें हर पल देख रहा होता है, उससे कुछ भी छुप नहीं है। काबा में इन्होंने जो भी किया वह भी कुछ इसी तरह का प्रयास था। इन्होंने अपने जीवन में धर्म को व्यवहारिक बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए। इन्होंने धर्म को कर्म से जोड़कर जीने का तरीका बताया।